हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में ब्लूटूथ की जो प्रॉब्लम है तो ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपके फ़ोन में जब ब्लूटूथ नेटवर्क होता कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके जो नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम है ब्लूटूथ की सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में ब्लूटूथ की जो कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है, सॉरी ब्लूटूथ प्रॉब्लम है, तो ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सकते हैं सबसे पहले तो ब्लूटूथ नेटवर्क पर जाना है। जैसे आपके फ़ोन में नेटवर्क कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ का, पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ब्लूटूथ नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपके फ़ोन की जो सेटिंग्स है शो हो रही है। सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ से ऐप सेटिंग पे। क्लिक करते ही ऐप सेटिंग्स आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। शी ऑल ऐप्स को ओपन कर लेना है। फिर आपको सर्च करना है ब्लूटूथ, पर ब्लूटूथ आइकन नहीं आ रहा तो बैक करना है। बैक करते ही आपको सर्च करना है थ्री डॉट, शो सिस्टम ऐप्स को ओपन कर लेना है। फिर आपको सर्च करना है ब्लूटूथ, तो यहाँ से ब्लूटूथ सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में ब्लूटूथ की जो ब्लूटूथ की जो नेटवर्क सेटिंग्स है कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जो ब्लूटूथ की जो नेटवर्क प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व, ब्लूटूथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी डाटा होता है ब्लूटूथ का उसको हमको क्लियर कर देना है, जिससे आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। जब आप कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा, और जब फिर भी अगर आपके फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सिंपली फिर आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग पर। क्लिक करते सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करके रीसेट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपको जाना है इस ऑप्शन पर रीसेट एंड वाईफाई ब्लूटूथ सेटिंग्स, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो ही ब्लूटूथ की और नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं उसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही जो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। फिर आप यहाँ के जरिए में फ़ोन के ब्लूटूथ पर जाकर नेटवर्क के जो नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और नेटवर्क वगैरह भी आप इसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।